हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुड़ी यात्रा। माय नेम इज ऋतिक एंड आई क्रिएट फूड रिलेटेड एंड सम ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स ऑन माय चैनल। और आज है इंडिपेंडेंस डे, सो आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस स्पेशल डे के दिन जलेबी बनाने जा रहे, वो भी इंस्टेंट जलेबी। एक घंटे के अंदर आपकी जलेबी रेडी हो जाएंगी, और वो भी बिनोद स्टाइल की जलेबी। आप भी बोलोगे बिनोद स्टाइल की कौन सी जलेबी होती है भैया, हमने कभी देखी नहीं और कभी सुनी नहीं, इसलिए तो मैं हूं ना ऐसे अतरंगी चीजें लाके आपको दिखाने के लिए। चलिए वीडियो के अंदर बढ़ते हैं, और वीडियो पूरा देखिए, स्किप करोगे तो कुछ समझेगा नहीं कहाँ से क्या आया कहाँ से क्या गया, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बता ही दिया था कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं आज बनाने जा रहा हूँ बिनोद स्टाइल की जलेबियाँ। कुछ भी यार, मतलब आप लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि यार बिनोद स्टाइल की क्या जलेबी होती है। आप पूरा वीडियो देखिए विदाउट स्किप करके। तो ये वीडियो दो फेजेस में डिवाइड है। पहले फेज में हम बनाने जा रहे हैं जलेबी का बैटर, और दूसरे फेज में हम बनाने जा रहे हैं चाशनी, जिसमें जलेबियाँ डुबाई जाएंगी। चलिए आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ क्या क्या लगने वाले है। सो गाइज, आपके सामने इंग्रेडिएंट्स रखे गए। यहाँ पे फुल कटोरी मैदा है, यहाँ पर फुल कटोरी शक्कर है, यहाँ पर 3 से 4 चम्मच हमें दही लगने वाला है। अगर खट्टा दही होगा, मतलब यार मीठा नहीं होगा ना, तो एक नंबर काम होने वाला है आपका। और यहाँ पर है बेकिंग पाउडर, और यहाँ पर है कॉर्नफ्लावर, हमें जो 3 से 4 चम्मच लगने वाला है। और साथ ही साथ फूड कलर जरूरी लगने वाला है, और यहाँ पर थोड़ा सा केसर, ये केसर भी हमें लगने वाला है। चलो मिक्स करते एक एक चीज। फर्स्ट स्टेप, हम एक बाउल में पूरा मैदे का जो हमने बाउल लिया था वो पूरा डाल लेंगे। और दूसरी स्टेप, हमें लगने वाला है 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, जो अभी जा रहा है। ये देखो 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर गया, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच दही, या आप कर्ड बोल सकते हो। मीठा होगा तो यार ले लो, बट यार खट्टा होगा तो एक नंबर काम होगा। थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे, एक तो आप रेड कलर लो या फिर आप ऑरेंज कलर लो। मिक्स कर लो अच्छे से फूड कलर और सारे जितने आपने अभी तक ये डाले, मैदा हो गया, कॉर्नफ्लावर हो गया, दही हो गया, सारा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। और उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालिए थोड़ा थोड़ा करके। अब देखो कैसा दिख रहा है बैटर, बहुत कम लम्स दिख रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे अगर आप और 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स करोगे, तो अपना काम हो जाएगा यार अच्छे से। तो देखिए गाइस, बैटर अच्छे से स्मूथ रेडी हो गया और लम्स फ्री है। देखो लम्स मेरे को बहुत कम दिख रहे, दिख भी नहीं रहे क्या है क्या नहीं पता भी नहीं। चलो ठीक है, इतने में काम हो जाएगा हमारा, क्रंची होगा, अच्छा टेस्टी बनेगा। इसे हम आधे घंटे के लिए कोई बर्तन से ढक देंगे ऊपर से, या फिर आप कपड़े से ढक दो। मिलते हैं आधे घंटे बाद। चलो बैटर तो आधे घंटे बाद मिलेगा ही हमें रेडी होके, बट तब तक चाशनी बना लेते हैं, मिट्टी मिट्टी चाशनी। गाने की याद नहीं दिला रहा हूँ यार, शुगर सिरप बोल रहा हूँ, वो अभी क्रिएट करते हैं और आपको बताता हूँ कैसा बनेगा वो। पहले फुल कटोरी शक्कर गया, उसके बाद आधी कटोरी पानी गया, जितना शक्कर लोगे उससे आधा पानी लेना। पिंच ऑफ फूड कलर डाल रहे, जो हमारे पास है वो ऑरेंज है, आप रेड भी ले सकते हो, आप येलो भी ले सकते हो, जो कलर का फूड कलर लोगे उस कलर की जलेबी बनेगी भैया। हमें 2 से 3 बूंद अभी इसमें लेमन डालना है, जो गया अभी देखो, क्योंकि लेमन बहुत जरूरी होता है ये डिश में। थोड़ा सा सैफ्रॉन मीन्स केसर, वो तो यार बिल्कुल जरूरी है अपन लोगों के लिए, तो यार ऐसे फूड ब्लॉगर के लिए तो केसर क्या भैया, मतलब डेजर्ट में तो केसर चाहिए चाहिए हमें। आप थिकनेस देखिए, इतना हमें थिक चाहिए वो। बैटर अभी जाने के लिए तैयार है, और बैटर जा रहा है पूरा बॉटल के अंदर, और बैटर भी बोल रहा है फटाफट जलेबी बना लो यार। आप जलेबी एक तो बॉटल में डालकर भी बना सकते हो, या फिर आप प्लास्टिक में भी बनाकर कर सकते हो। आपका बॉटल अच्छे से रेडी हो गई, अब बताता हूँ विनोद की जलेबी कैसी बनती है। आप इतने देर से सोच रहे होंगे विनोद क्या है, विनोद क्या है, और ये जलेबी क्या है यार, मतलब विनोद ने हमें रेसिपी सेंड की है क्या, मतलब जो ट्रेंड पे चल रहा है विनोद, विनोद जो कुछ है, कौन है ये विनोद। अब देखो रेसिपी कैसे बनती है विनोद की जलेबी। या बी बनने के लिए तैयार, और ये बी बन गया विनोद का, वाह एकदम सुपर मजेदार, आहा आहा। आय बनने के लिए तैयार है, और आय बन गया, एक कच नंबर, एन अल्फाबेट इज रेडी टू गो, एंड एन गया एकदम जबरदस्त, वाह 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 वाह, इज रेडी टू गो एंड ओ गया 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 ओए एक कच नंबर।
लास्ट लेटर डी बनने के लिए तैयार और डी बन गया। अयो इतने जल्दी और इतना अच्छा। अभी विनोद भैया को हम अच्छे से चाशनी में डुबा रहे हैं क्योंकि चाशनी के वजह से ही तो मीठा स्वाद आता है। जैसे आपके पूरे अल्फाबेट्स रेडी हो जाए उसे आप चाशनी में डुबाइए और बाहर निकाल लीजिए थोड़े देर बाद, 10 से 20 सेकंड बाद। आप सोच रहे होंगे ऋतिक भाई कुछ भी दिखा रहे यार, विनोद की जलेबी कोई दिखाने का कोई मोटिव होता है क्या? देखो मेरा काम था कि यार आपको थोड़ा सा हंसाऊं, थोड़ा सा दिखाऊं जलेबियां कैसे बनते हैं। अभी हम नॉर्मल शेप की जलेबियां बनाते हैं और उसे फिर शुगर सिरप में डालते हैं। चलो नॉर्मल शेप की जलेबियां बनने के लिए तैयार। और ये गए एकदम हलवाई स्टाइल वाले होममेड जलेबियां। क्या बोलते भैया, होममेड जलेबियां। गाइस हमने नॉर्मल जलेबी बना भी ली है और उसे चाशनी में डुबा भी दिया है। अभी मिलते हैं टेस्टिंग के टाइम। जलेबियां रेडी हो गई और मन में आ रहा है सब बल्ले बल्ले हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। देखो कैसी बनी है, आप जरा पास आके। एक नंबर, मैंने सिनेमैटिक शॉट थोड़ा बहुत शॉट ले लिया है, आपने देख ही लिया होगा। और ये देखो नॉर्मल जलेबी अभी है हमारे पास। आज आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के लिए अच्छा करिए, अच्छा नागरिक बनिए और देश को आगे ले जाइए। चलिए विनोद के से स्टार्ट करते हैं। विनोद का बी खाए के डी खाए, बी खाए के डी खाए, चलो बी खा लेते हैं। एकदम कुरकुरी मीठी हलवाई स्टाइल वाली जलेबी। आप सोच रहे होंगे यार विनोद की जलेबी क्यों बनाए। बोला चलो यार जो बंदा दो दिन में फेमस हो गया पूरे इंडिया में उसके लिए तो कुछ तो ट्रिब्यूट बनता है। इंडिया में कोई भी कभी भी एक दो दिनों में फेमस हो सकता है, बस उसकी किस्मत उसके साथ होनी चाहिए। नॉर्मल खाते हैं। जलेबी एकदम क्रंची और डिलीशियस बनी है। डिलीशियस मिठास तो एकदम भर भर के आ रही है। केसर डाला ना और मजा आ रहा है। आप इसमें लवंग और इलायची भी डाल सकते हो। इलायची सबसे मेन है, इलायची का पाउडर बहुत लोग डालते हैं। और ये हमने इंस्टेंट जलेबी बनाई है, नहीं तो जलेबी बनने के लिए एक पूरा दिन लगता है उसका फर्मेंटेशन होने के लिए। ये इंस्टेंट जलेबी है। अगर आपको एक दो घंटे के अंदर जलेबी खानी है तो ये डिश इज डेफिनेटली रिकमेंडेबल बाय मी। और आपसे मिलता हूँ जल्दी कुछ हटके वीडियो के साथ कुछ दिनों में। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर जाना, नोटिफिकेशन ऑन कर जाना, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए लाइक बटन हिट कर देना। आगे विचार बता दो कमेंट सेक्शन में अगली डिश क्या बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।